अस्सलामु अलैकुम। सलाम का जवाब तो देना सीखो पहले। हाँ, अब मालूम हुआ अपन सब जने एक जगह जमा है। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ाने मोहतरम, आप हजरात ने माशाल्लाह बहुत सी तकरीरें समाअत फरमा ली है और मोहब्बत रसूल में आज हम इस मैदान में जमा हुए हैं और मुझे खुशी हो रही है कि चंद पानी के खतरे गिनने के बाद आप जोश में तो आ गए हैं, वरना ऐसा मालूम हो रहा था कि पूरे मैदान में सब मुक्के लोगा बैठे हुए थे। और जहाँ हजरात अब बैठे हैं, मेरी गुजारिश है कि अपनी जबानों को भी खामोश रखिए, अगर कुछ कहना भी है, जबान से निकालना भी है तो थोड़ा दुरूद पढ़ लीजिए। इस बात से कि आज आपकी हमारी दीन से दूरी ने यह नतीजा लाया है, आज हमारी गफलतों ने यह नतीजा लाया है, आज हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते नहीं, प्यारे रसूल को तो मानते हैं लेकिन आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप आज ये अहद करके उठ जाए कि आज के बाद हमारे हर मामले में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी चलेगी, तो इंशाअल्लाह आज का जलसा हमारा कामयाब रहेगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि आज हमारे इस मैदान में जैसी तादाद हमारे एक अंदाजे के मुताबिक थी, आज मुझे अफसोस हो रहा है सिर्फ जबानी दावेदार नजर आ रहे हैं, मोहब्बत में जान देना बड़ी बात है। अफसोस तो यह है कि आज हुकूमतें हमारी जो सर पे मुसल्लत की गई है, ये हुकूमतें सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रही है। अभी आपने हमारे तकारीर में समाअत फरमाया कि कैसे कैसे अंदाज से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी उनके मजहब के बारे में, कभी उनके अंदाज को किसी ना किसी अंदाज से मुसलमानों को जेर करना चाहते हैं। मगर याद रखो, आज हम जमा हुए हैं तो वो हमारे रसूल की मोहब्बत के लिए जमा हुए हैं, और आज हम ये तय करते हैं कि हमारे महबूब के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो हम अपनी जान की परवाह भी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह बोलो। इंशाल्लाह भी नहीं आता बोलना। खैर, मेरे अजीज दोस्तों, हमारे कायद यहाँ तशरीफ फरमा है, कायद का खिताब भी आपको सुनना है, और मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आपके दरमियान आया और सिर्फ आपको 2 बातें अर्ज करते हुए रुख्सत हो जाऊंगा। पहली बात तो ये है कि हमारे को अपने घरों में पहले रसूल की मोहब्बत पैदा बच्चों में करनी चाहिए। आज हमारे घरों में अपने बच्चों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के वाकयात को बयान करना चाहिए। आपको अभी आपने समाअत फरमाया कि गोद के बच्चे को लाकर माँ दे रही है, ये क्या कह रही है, मेरे रसूल मैं अपनी बच्चे को ले आई हूँ और आप मेरे बच्चे को ले जाइए मैदान जंग में, और ले जाकर आपको जैसे इस्तेमाल करना है इस बच्चे को कीजिए। आज हमारे बच्चों का हम इम्तिहान लेते हैं, उठते हैं तो 11 बजे और नमाजें छोड़ते हैं तो ऐसी छोड़ते हैं कि नमाजों की इनको फिक्र ही नहीं है, बल्कि ऐसा समझ में आता कि इनके ऊपर नमाजी फर्ज नहीं हुई है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे रसूल से मोहब्बत है आपको तो आज ये तय करके उठना पड़ेगा कि मेरे रसूल से मोहब्बत है तो मेरे रसूल की मोहब्बत में आपको अपनी नमाजों की पाबंदी करना पड़ेगा, कुरान की तिलावत करना पड़ेगा। आज मुझे हैरत होती, आज कई दिनों से मेरे पास एक मैसेज आ रहा है और एक मैसेज में ये है कि एक साहब आते हैं, खाने के वास्ते पैसे नहीं है, वो पैसे गुम जाते हैं तो वो कुरान पाक में वो साहब रख के चले जाते हैं, कई दिनों के बाद आके वो उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगता है, लेकिन ये आके कहते हैं, भाई मैं तो आपके पैसे आपकी कुरान में रखा था,
आप मालूम होता है कि ये 6 महीने भी कुरान नहीं खुली है। आज हमारे घरों में खुल रही कुरान। आज हुकूमत को बताना है मेरे भाई, हम नाम के नहीं है मुसलमान, काम के मुसलमान हैं। आज हमको ये बताना है कि हमारे रसूल पे हमको वक्त आता है तो हम अपनी जान भी देने तैयार हैं। जान के लिए तैयार होने के लिए उन वाकियात को आपको सामने रखना पड़ेगा, जो वाकियात आपको किताबों में मिलेंगे। आज हमारे को हैरत होती है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे साहबे किराम का जान देने का अंदाज कैसे था। कोई सामने आके खड़ा हो जा रहा है ताकि वो तीर आए तो मेरे पर लग जाए, कोई खड़ा हो रहा है तो ये इस अंदाज से अपने बेटे से मुखातिब होके कह रहा है, ए बेटे अगर तू मेरी तलवार की इज्जत में आता तो नहीं बचता। मेरे अजीज दोस्तों, बाप बेटे है लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, एक तरफ आपके साहेबजादे हैं, एक मेरे अबू बकर सिद्दीक सरकार की तरफ से लड़ रहे हैं, एक कुरैश की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन जब लड़ाई का वक्त आता है, एक वक्त के बाद जब वो इस्लाम में दाखिल होते हैं तो अपने अब्बा जान से कहते हैं, अब्बा जान फुला जंग में आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे लेकिन मैंने आपको तलवार नहीं चलाई, इसलिए नहीं चलाई कि आप मेरे अब्बा जान हैं, आप मेरे वालिद हैं, पैदा करने वाले हैं, मैंने इसलिए तलवार नहीं चलाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं, मेरे बेटे अच्छा हुआ कि तू मेरी तलवार की जद में नहीं आया, वरना मेरे रसूल के लिए मैं तेरे 2 टुकड़े करने में भी पीछे नहीं हटता था। आज हमारी औलाद को हम जरा गौर करें, क्या आज हमारी औलादों में ये मोहब्बत है, हम में ये मोहब्बत है, हम में ये अंदाज़े जिंदगी है? अगर नहीं है तो पैदा करिए, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। आज से हमको इनकलाब लाना है तो इनकलाब लाने के लिए सबसे पहले हमारे उलमाए किराम जो यहाँ माशाल्लाह या स्टेज पर तशरीफ फरमा है, वो आपसे जो बातों को कह रहे हैं उस पर गौर कीजिए। और अभी हमारे सामने उन बच्चियों का भी जिक्र किया गया कि आज किसी का घर गिराए हैं और किसी को परेशान करके रखे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये चंद दिन की हुकूमतें हैं, किसी राज अभी हमारे नवाज देवबंदी का एक शेर मौलाना कह रहे थे, मेरी जबान पे भी आया, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है ना साया देर तक, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह अल्लाह फिर हमें इज्जत अता फरमाएगा, बस शर्त यह है एक के हो जाओ, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, इंशाल्लाह कामयाबी हमारे साथ होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।